साल 1971 की लड़ाई के नायक भैरों सिंह राठौड़ जिंदगी की जंग हार गए हैं। उनका एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। आपने फिल्म बॉर्डर तो जरूर देखी होगी, जिसमें सुनील सेठी ने फिल्म में भैरों सिंह का किरदार अदा किया था। भैरों सिंह राठौड़ साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के नायक थे। युद्ध के वक्त उनकी तैनाती लोंगेवाला पोस्ट पर थी और उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। भैरों सिंह युद्ध के वक्त डी कंपनी की 14वीं बटालियन की 3री टुकड़ी में तैनात थे। लोंगेवाला पोस्ट पर डी कंपनी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में दुश्मनों का सामना कर रही थी। लोंगेवाला पोस्ट पर 120 जवानों की टुकड़ी ने इस पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। एक इंटरव्यू में भैरों सिंह राठौड़ ने कहा था, रात को करीब 2 बजे पाकिस्तानी सेना ने टैंक से गोले बरसाने शुरू कर दिए। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घमासान लड़ाई छिड़ चुकी थी। इसी बीच LMG से गोलियां दाग रहा एक भारतीय सैनिक घायल हो गया। उस समय भैरों सिंह ने बिना समय गवाए LMG संभाली और लगातार 7 घंटे तक फायरिंग करते रहे, और इस दौरान भैरों सिंह राठौड़ ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि आधी रात को उनको संदेश मिला कि पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं और उनके पास बड़ी संख्या में टैंक थे। उस समय भारतीय सेना ने हवाई हमले के लिए एयरफोर्स से मदद मांगी थी, लेकिन रात होने के कारण मदद नहीं मिल सकी। सुबह तक का इंतजार लंबा होता जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के टैंक लगातार आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि थोड़े से सैनिक हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन लगातार 7 घंटे तक कम संख्या होने के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। इसी दौरान भैरों सिंह राठौड़ ने LMG से 2 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था। वहीं भैरों सिंह ने बताया था कि सूरज निकलने के साथ ही वायुसेना के विमान आ चुके थे और विमानों से भयंकर बमबारी की गई, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और पाकिस्तानी सेना वहां से पीछे हट गई। बताया जाता है कि भैरों सिंह राठौड़ ने उस समय LMG गन से लगातार फायरिंग करते हुए करीब 25 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया था। और लोंगेवाला के युद्ध में वीरता के लिए साल 1972 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान ने उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया था। और आपने देखा होगा युद्ध पर बनी फिल्म बॉर्डर में सुनील सेठी ने भैरों सिंह राठौड़ का किरदार निभाया था। वहीं उनकी टुकड़ी के मेजर कुलदीप सिंह का रोल सनी देओल ने किया था। और आपको बता दूं, लोंगेवाला युद्ध में भारतीय जवानों का शौर्य और पराक्रम के किस्सों की सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी काफी चर्चा होती है। अमेरिका से एक दल ने आकर लोंगेवाला युद्ध का अध्ययन किया था, क्योंकि विश्व में युद्ध के इतिहास में डेजर्ट बार में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया था वह अद्भुत था। अमेरिका के आधुनिक टैंकों से सजी पाकिस्तान की सेना की टुकड़ी को लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात भारतीय मुट्ठी भर जवानों ने परास्त करके रख दिया था। और अब दुखद खबर यह है, 1971 के युद्ध में असाधारण पराक्रम दिखाने वाले भैरों सिंह राठौड़ ने एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली है।